हेलो एवरीवन, आज का सेशन है मेटल कास्टिंग। एसएससी जेई एग्ज़ाम या फिर पीएसक्यू एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। तो चलिए वन बाय वन हम इस टॉपिक को देखते हैं। पहला है मेटल कास्टिंग क्या है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जैसे अदर प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उसी तरह से मेटल कास्टिंग भी एक प्रोसेस है, जहाँ पे लिक्विड या फिर मेटल को पॉर किया जाता है किसी मोल्टेन कैविटी में, मोल्ड कैविटी में, और फिर इसको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है। यही कहलाता है कास्टिंग। डेफिनेशन आपके सामने आप देख सकते हैं। कास्टिंग कई तरह के होते हैं, वन बाय वन हम सारे ही टाइप के कास्टिंग को देखेंगे। ये बहुत ही पुराना प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने का। आज से नहीं, बहुत पहले से कास्टिंग प्रोसेस को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला आता है एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। ये होता है टेम्पोरेरी टाइप ऑफ कास्टिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मोल्ड होगा वो एक बार यूज़ करेंगे, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, मोस्टली सैंड यूज़ करते हैं इसके मोल्ड को बनाने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है, थोड़ा ही थोड़ा डिस्कस किया है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी जब क्वेश्चन जाऊँगी देखूँगी कि पीएसयू के लेवल के और भी क्या क्वेश्चन, अगर अंदर से क्वेश्चन आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब आएंगे। ओके, ये सरफेस से क्वेश्चन है सिर्फ कि सैंड कास्टिंग का यूज़ करते हैं सिलेंडर हेड, वैल्व, इंजन ब्लॉक, मशीन टूल बेसिस, ये सब बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सैंड कास्टिंग। यहाँ पे जो मोल्ड होता है वो सैंड का होता है। उसके अलावा शेल मोल्ड कास्टिंग, ये भी है। शेल मोल्ड कास्टिंग जो है वहाँ पे भी सैंड ही यूज़ करते हैं, बट इसके साथ और भी कुछ भी, शायद कोई मेटल भी शायद ऐड करते हैं इसमें शेल मोल्ड में। उसके बाद इससे जो ऑप्टेन होता है वो है सिलेंड्रिकल ब्लॉक कनेक्टिंग रड। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है ये, इसमें भी ज्वेलरी, सर्जिकल इक्विपमेंट, टर्बाइन ब्लेड्स, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसका ब्रीफ इन डिस्क्रिप्शन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके अलावा है प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। जैसे यहाँ पे सैंड यूज़ किया जाता है, वैसे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अ प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग। और यहाँ इसके एग्जाम्पल आ गए वाल्व्स है, गियर, लॉक कंपोनेंट्स। इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे से बनता है, क्वेश्चन कहाँ पे से बनता है कि सैंड कास्टिंग से कौन कौन सी चीज़ें ऑप्टेंड होते हैं। और अगर एग्जाम्पल में अगर दे रखा है कि इन्वेस्ट ये ज्वेलरी है, सर्जिकल इक्विपमेंट है, तो वो हरगिज़ ही नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसके लिए जो केसेस, वो जो एग्जाम्पल है वो सिलेंडर हेड है, वैल्व, इंजन ब्लॉक, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है। और ये सारे, ये थे टेम्पोररी टाइप ऑफ, एक बार इसके मूल को यूज़ करते हैं उसके बाद फिर इसे ब्रेक कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है नॉन एक्सपेंडेबल या परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कहते हैं। इसके जो मोल्ड को हैं 100 से 1000 बाद से भी ज़्यादा टाइम यूज़ किया जाता है इसके मोल्ड को। ये मेटलिक होते हैं मोस्टली, जैसे कि सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग हो गया। सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग के एग्जांपल्स आ जाते हैं हॉलो पाइप्स, ट्यूब्स, हॉलो बुशेस, ये सारे बनाने में यूज़ किया जाता है सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग को। फिर आता है डाई कास्टिंग, यानी कि इसका एग्जांपल है कार्बोरेटर बॉडी। कार्बोरेटर का जो बॉडी होता है उसको वो डाई कास्टिंग के हेल्प से बनाया जाता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आता है डाई कास्टिंग। और ये जो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है, ये अंडर हाई प्रेशर के जोन में आता है। ठीक है, मतलब इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हाई प्रेशर आप ऑप्टेन करिए और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बनाया जाता है, ठीक है, डाई कास्टिंग को। उसके अलावा ये हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट, जो भी मेटल होंगे उनको कास्ट किया जाएगा। जैसे कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग है तो यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल
को कास्ट किया जाता है, और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है तो यहाँ पे हॉट मेल्टिंग पॉइंट मेटल को कास्ट किया जाएगा। तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव में शायद क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि मैंने आपको जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है इस पे दिया हुआ है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। फिर से आता है स्लश कास्टिंग, हॉलो कास्टिंग लाइक लैम्प शेड्स। लैम्प शेड्स बनाने के लिए स्लश का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, फिर आता है ये मोल्ड कैसे किस तरीके से बनता है, तो ये देखेंगे। ये फ्लास्क हो जाता है, ये फ्लास्क है, ये ऊपर वाला कोप कहलाता है, बीच वाला चीक और बॉटम वाला ड्रैग कहलाता है। ये पार्टिंग लाइन से सब सेपरेटेड है। तो इस तरह से ये डायग्राम होगा आपके सैंड कास्टिंग के लिए। तो देखते हैं आगे कौन कौन से टर्म इसके लिए एसोसिएटेड है। तो पहला आता है पॉरिंग बेसिन। तो ये स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी होता है एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू विच द मोल्टन मेटल इज पॉर्ड। तो यहाँ देखते हैं इस फिगर में जहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको पॉरिंग बेसिन, या ये जो है ना ऊपर वाला सरफेस पॉरिंग बेसिन है, यहाँ पे पॉरिंग कप में मेटल जो मोल्टन मेटल है उसको यहाँ पे रखते हैं, और फिर यहाँ से ये स्क्रू के हेल्प से ये जो है ये जो टैपर्ड फ्लास्क दिखाया गया ये स्प्रू है, ये यहाँ पे स्प्रू बेस है, ठीक है, इसके हेल्प से इसमें जाता है। और ये क्या है, ये रनर है, रनर से फिर गेट में, ये इन गेट है, उसके बाद इन गेट के बाद फिर ये जो दिख रहा है आपको मोल्ड में जाता है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखते हैं। स्प्रू क्या है, पैसेज थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन रीचेज द मोल्ड कैविटी। तो ये देख सकते हैं स्प्रू है मोल्टन मेटल से मोल्ड कैविटी में, यहाँ पे इसी पैसेज से जाता है। फिर आता है रनर इज अ चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल इज कैरीड फ्रॉम द स्प्रू टू द गेट। ठीक है, ये रनर है, ये यहाँ से स्प्रू से गेट तक के लिए जाने के लिए जो भी हेल्प पैसेज होता है इसको रनर कहते हैं। फिर राइजर क्या है, इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ अ मोल्टन मेटल प्रोवाइड इन द कास्टिंग सो दैट द हॉट मेटल कैन फ्लो बैक इन टू द मोल्ड कैविटी व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ड्यू सॉलिडिफिकेशन। ये जो मोल्ड है ना, जब ये ठंडा होना स्टार्ट करेगा, तो मान लो कि इसमें अगर कुछ स्पेस रह गया तो उस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से इस राइजर से ये मोल्टन मेटल यहाँ से फिर आ जाएगा, इसके स्पेस को फिल कर देगा। तो यही काम होता है राइजर में, इसलिए राइजर में भी मोल्टन मेटल जाता है, ठीक है, कंजर्व ऐसा हम कह सकते हैं कि कंजर्व रहता है यहाँ पे मोल्टन मेटल। जब यहाँ पे कोई भी स्पेस या वॉइड रह जाता है तो उसके बाद फिर ये राइजर से फिर मोल्टन मेटल आता है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, और भी सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। अभी जो है बिल्कुल बेसिक बताने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। गेट क्या है, चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी। ठीक है, ये गेट है, मोल्टन मेटल एंटर किया मोल्ड कैविटी में। फिर कोर क्या है, यूज टू क्रिएट द इंटरनल कैविटी ऑफ अ पार्टिकुलर शेप। तो देखो कोर ये दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर से दिखाया गया है। इंटरनल कैविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है, स्पेशल टाइप की कास्टिंग करनी है जहाँ पे अंदर में कोई वॉइड है या फिर कुछ डिफरेंट शेप्स देना है, तो उसके लिए कोर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है चिल्स एंड पैडिंग। क्या है, द मेटेलिक ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड इन द मोल्ड टू इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ अ कास्टिंग एंड टू अचीव द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। एक स्क्वायर शेप का या फिर छोटे शेप का यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया जाता है यहाँ पर या फिर जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, चिल्स या पैडिंग। और ये मेटल, ये उसी मेटल का होता है जिसका ये मोल्ड होता है, मतलब ये जो मोल्ड जो मैंने मेटल लिक्विड जो डाला हुआ है ना मोल्टन मेटल, उसी मेटल का बना हुआ होता है ये चिल और पैडिंग, ठीक है। उसको यहाँ पर रखते हैं, किस लिए रखते हैं, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो जब लिक्विड बने मतलब मोल्टन होकर पिघले तो फिर इसमें ही मिल जाए, इस मोल्ड में मिल जाए और कास्ट हो जाए।
मुझे कास्टिंग ऑप्टेन हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से, और ये कोर भी जो होता है वो इसी मॉल्टन मेटल का ही बना होता है। नेक्स्ट आते हैं चैपलेट्स, मेटलिक पीस विच इज यूज टू सपोर्ट द कोर इन साइड द मोल्ड। ये कोर जो होता है ना, ये कोर नहीं, चैपलेट बना होता है इस मेटल का, लिक्विड जो मेटल है ना, कोर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चैपलेट जो होता है वो बना होता है इसी मेटल का, जो सॉरी इसी लिक्विड का, मॉल्टन मेटल का, ठीक है। और ये यहाँ पे सपोर्ट, एज अ सपोर्ट काम करता है चैपलेट, इसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से रखा हुआ रहता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, वो यही है क्वेश्चन कि चैपलेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए कोर को। फिर चिल्स और पैडिंग का यूज़ करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए। कोर क्या है, इंटरनल कैविटी को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या आता है कि कास्टिंग डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है। अभी कास्टिंग हुआ है तो कुछ कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो उन सारे डिफेक्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में डिफेक्ट से ही भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि वो कौन कौन से डिफेक्ट है, जैसे कि गैस डिफेक्ट है, गैस के कारण जो डिफेक्ट होता है, जैसे कि ब्लो होल लैग हो गया, ये सब उसी टाइम उसी समय होगा। ये जो कास्टिंग कर रहे हैं ना, इसी मोल्ड में ही होगा, ये जो मोल्ड देख रहे हैं आप, उसी समय होगा। तो ये गैस डिफेक्ट में क्या होता है कि मॉल्टन मेटल होता है यहाँ पे, और एसिड इस टाइप का स्पेस क्रिएट हो जाता है किसी भी रीज़न से। वो रीज़न मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो सिर्फ मैं वही बता रही हूँ। तो इस टाइप से स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये गैस डिफेक्ट के कारण ही होता है, ये कहलाता है ब्लो होल्स। और जब ये सरफेस पे इस तरह से क्रिएट हो जाए, ऐसे सरफेस पे क्रिएट हो जाए इसके सरफेस पे, तो ये ओपन होल्स कहलाता है। एयर इंक्लूशन, पिन होल पोरोसिटी, ये सारे ही डिफेक्ट्स हैं जो कि गैस डिफेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद फिर आता है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी हो गया जैसे कि कैविटी में श्रिंकेज आ जाना। मान लो कि राइजर जो है वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है। ये जो राइजर मैंने यहाँ पे दिखाया है, राइजर, ये जैसे कि इसका काम है मॉल्टन मेटल प्रोवाइड करना, बट ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। या तो इसका ये जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पर नहीं है, अपने फिक्स स्पेस प्लेस पे नहीं प्लेस किया गया, जिसके वजह से ये लिक्विड यहाँ पे पहुँचा नहीं पा रहा है, उसके वजह से ये श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज इन कैविटी। उसके बाद फिर आता है पुअर मोल्डिंग मटेरियल, कट्स एंड वॉशेस, स्वेल, ड्रॉप। तो कट्स एंड वॉशेस वहाँ पे जैसे कि होता है ना इरोजन, इरोजन हो जाना, जैसे कि मोल्डन मेटल है यहाँ पे इरोजन हो गया, तो ये कहला जाएगा कट्स। और वॉशेस ये मोल्डन मोल्ड पे ही अलग से कुछ एडिशनल सरफेस पे मोल्ड क्रिएट हो जाना, वो कहलाता है वॉशेस। फिर से आता है स्वेल, ड्रॉप, इसके सरफेस पे इस तरह से उभरा हुआ सा ऐसा बन जाना, ये कहलाएगा ड्रॉप, ठीक है। फिर आपने कभी कभी देखा होगा, आप दो जैसे कि ये जो सर्फ कोई मेटल को कास्टिंग किया गया, तो मान लो कि बीच से ऐसे फॉर्म कर जाता है, यहाँ से मेटल सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई होके आगे गया, यहाँ से मेटल सॉलिडिफाई होके आगे गया, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा लाइन जैसा बन जाता है, और यही कहलाता है स्वेल, ठीक है। फिर आता है, सॉरी, ये तो स्वेल नहीं कहलाता है, स्वेल कहलाता है जब कोई मसल्स
मॉल्टेन मेटल है और इसकी साइज जो है बढ़ गई, इसकी साइज बढ़ जाती तो वो स्वेल कहलाता है। अभी जो मैंने आपको बताया जो लाइन जैसा क्रिएट हो जाता है वो पोर मॉल्टेन मेटल क्वालिटी, ये कोल्ड शट कहलाता है। यहाँ से जब सॉलिडिफाई हुआ, यहाँ से सॉलिडिफाई होकर के बीच में ऐसा ना लाइन ऐसा बन जाता है यहाँ, मतलब कि यहाँ पे कम सॉलिडिफाई हुआ तो वो कहला जाता है कोल्ड शट। तो इसी तरीके से और भी सारा है, जैसे कि ये मॉल्टन पोर मॉल्टन मेटल क्वालिटी के अंदर मिश्रण आ जाता है, स्लैग इंक्लूशन, फिर मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स में हॉट टियर, हॉट स्पॉट्स, ये सारे आ जाते हैं। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन पूछता है कि कट्स एंड वॉशेस आर द कास्टिंग, वेल्डिंग, या कौन सा डिफेक्ट है, हॉट टियर या हॉट और हॉट स्पॉट्स, कौन सा डिफेक्ट है, कास्टिंग है या कास्टिंग डिफेक्ट है या वेल्डिंग डिफेक्ट है, या फिर और भी है सर इंक्लूजन और एक्सट्रूजन डिफेक्ट है, ठीक है, उस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, या फॉर्मिंग डिफेक्ट है। तो यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन है ना, ये आप लोग बना लेना, चार क्वेश्चन ही बस है, बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाया, हालांकि टाइम तो काफ़ी हो गया, 1 वीक तो लगभग हो ही गया है, बट टाइम नहीं मिला था मेरे को बनाने के लिए वीडियो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी मैं इन सारी चीज़ों को ही जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जैसे कि ये सारे भी है ना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए है, कौन कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, फिर स्लरी क्या होता है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट से भी क्वेश्चन है। अगर होगा मैं बुक ले देख लूँगी पीएसयू के क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन में तो इनके ब्रीफ सी से पूछा नहीं है, हो सकता है पीएसयूज में, जैसे कि आपका डीएमआरसी हो जाता है, या फिर बेल, बेल अपना अलग से कभी कभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देता है, या फिर अभी और भी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं जो डायरेक्ट टेक्निकल पूछते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ गेट, तो उसमें अगर ब्रीफली क्वेश्चन होगा तो मैं वो डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। अभी तो बस इतना ही था जो कि एसएससी क्वेश्चन पे आए हुए थे, ये सारे क्वेश्चन ना आप लोग बना लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें ध्यान देना है कि द रनर एंड इनगेट रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड एज फॉलोज इन कास्टिंग, कहाँ पे लोकेट किया जाता है, ये फिगर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है इसको मैंने आपको बताया कि ये आपका कोप कहलाता है ना, कोप, और नीचे वाला ड्रैग कहलाता है। तो देखो यहाँ पर रनर जो है वो कोप के ऊपर है, ठीक है, रनर कोप के ऊपर है, और ये जो ड्रैग है ये, सॉरी, ये इनगेट है, ये ड्रैग ड्रैग में है, ये चीज़ देखना है, यहाँ से ध्यान देना इस फिगर के लिए। और एक बार और इसी पे ही, इसी इस फिगर से ही कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो टैपरिंग, जो टेपर्ड फ्लास्क होता है वो क्या है, ये स्प्रू कहलाता है, अनटेपर्ड जो है था वो राइजर होता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, या बस फिगर रहता है, इसमें से बताओ कि कौन कौन सा है, गेट कौन सा है, स्प्रू कौन सा है, राइजर कौन सा है, रनर कौन सा है, ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए यहाँ से। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके, थैंक यू।